हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटम वॉलेट की और इसका एयर ड्रॉप आ सकता है इन फ्यूचर जो, और ये लोग कर सकते हैं अपने जो इसके प्लेटफॉर्म यूजर्स होंगे, ठीक है, उन लोगों के बीच में क्या क्राइटेरिया हो सकती है, तो वो सब तो एयर ड्रॉप के टाइम पर ही पता चलेगा। तो जो फैंटम वॉलेट है, मैं आप दिखा दूँ, ठीक, जो फैंटम वॉलेट है वो $9 मिलियन का फंड रेजिंग किया है, ठीक है। कोई भी अपना प्लेटफॉर्म टोकन लाने से पहले फंड रेजिंग करते हैं बेसिकली, तो फैंटम $9 मिलियन का फंड रेजिंग किया है। और फैंटम अभी इथेरियम, ठीक है, इथेरियम के ऊपर भी ये लोग अपना जो वॉलेट है वो इथेरियम वॉलेट, इथेरियम चेन को सपोर्ट करेगा, इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, अपग्रेड करेंगे। प्लस फैंटम वॉलेट को आपके जो एंड्रॉयड एंड iOS यूज़र हैं, ठीक है, iOS यूज़र वो लोग भी मोबाइल में एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल अभी क्रोम पे है, और जिन लोगों को फ़ोन में फ़ोन से करना है तो वो लोग कीवी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, आपके अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास। तो इसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और क्या क्या आप टर्म यूज़ कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में क्वालिफाई हो जाओ इसके एयर ड्रॉप में। तो बेसिकली आपको फैंटम वॉलेट चाहिए, वॉलेट एक्सटेंशन आपको यहाँ से, ये वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपके वॉलेट में यहाँ एक्सटेंशन में आ जाएंगे, ठीक। तो फैंटम वॉलेट आपको चाहिए होगा, एक फैंटम वॉलेट पे आप जब टैप करोगे, ठीक, तो आपको क्रिएट करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके क्रिएट कर देना, मैंने एक वॉलेट क्रिएट कर रखा है, ठीक। तो ये इसमें आपको फंड डिपॉजिट करेंगे, फिर सबसे पहले आप बाइनेंस के थ्रू विड्रॉ लगा सकते हो, ठीक। मैं FTX के थ्रू विड्रॉ लगाया है, FTX में फी नहीं लगती है, तो और अगर आप FTX यूज़ किए होगे, ठीक है, तो अगर आपके वहाँ पे फंड होंगे तो आप यहाँ पे विड्रॉ लगा लेना, जीरो फी लगेंगे आपको FTX सेशन से, तो वो कर लेना आप। तो हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे बेसिकली, और ट्रांजेक्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, यानी कलेक्टेबल्स आपके पास अगर NFT है तो यहाँ शो करेंगे, ये कौन कौन से विड्रॉल है, मैंने अभी देखो 7 मिनट पहले विड्रॉल लिया है, ठीक है, FTX सेक्शन से, ठीक है, आपको बताने के लिए। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्वैप यूज़ करूँगा, ठीक। आपको कितने टाइम्स, मतलब अभी जो एयरड्रॉप आ रहे हैं वो नियर अबाउट आपको क्राइटेरिया टफ होते जा रहे हैं। क्राइटेरिया टफ होने का मतलब है कि आपको रेगुलर इंटरवल में यूज़ करना होगा, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन की लिमिट, जैसे आप अगर ये 13 रुपये के ऊपर जो डोमेन सर्विस थी TNS डोमेन सर्विस, ठीक, तो वो लोग का टर्म एंड कंडीशन था 15 ट्रांजेक्शन का। 15 ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, तो वैसे ही आप लोग सोच लेना कि मिनिमम 50 ट्रांजेक्शन तो आप कर लेना इसके ऊपर, ताकि, और फीस जो होते हैं सोलाना के ऊपर बहुत कम लगते हैं बेसिकली, मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो सोल है मेरे पास, मैं USDT में कर लेता हूँ, कितना कर लूँ मैं, 0.05 $8 का आ रहा है, ठीक। फीस बहुत कम लगता है, फीस देखो $1 से भी कम लग रहा है, ठीक। तो आपको फीस थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, आप यहाँ पे स्वैप्स कर लेना, ठीक। जितना ज़्यादा स्वैप करोगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है, एयर ड्रॉप मिलने के। तो मैं यहाँ पे स्वैप मेरा हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, मैं इसको वापस से कर लेता हूँ। तो आप जितना ज़्यादा मतलब कर लोगे ट्रांजेक्शन, उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे फ्यूचर में एयर ड्रॉप विन करने के। तो ये चीज़ आप फुलफिल कर लेना इसको लेके, जितना हो पाए उतना यूज़ करो फैंटम वॉलेट को, क्योंकि ये लोग एयर ड्रॉप कर सकते हैं इस ईयर में। और जैसा कि आपको पता होगा ये जो ट्रस्ट वॉलेट है उसने भी एयर ड्रॉप करा, टोकन पॉकेट में ही अपना एयर ड्रॉप करा, ठीक, तो ये भी कर सकता है। और तो इसमें कुछ वैसा है नहीं, आपको अभी के जो एयर ड्रॉप्स हैं, देखो ये जो इसके जो डेवलपर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं iOS एंड ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन लाने के लिए, ठीक। तो ये ट्रस्ट वॉलेट का कंपटीटर बन सकता है फ्यूचर में, और अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। सोलाना का सबसे पॉपुलर वॉलेट है, ठीक, तो सोलाना के जो भी यूजर्स हैं तो वो इसको यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और वो लोग शायद विन करें और उन लोग से आप बीट कर पाओ। इस चक्कर में आपको कुछ ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन टफ होंगे, इसलिए आप ज़्यादा अमाउंट से करना थोड़ा, और ज़्यादा स्वैप्स करना बेसिकली, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी फ्यूचर अपडेट आती है तो मैं बताऊँगा। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।